शर्म आनी चाहिए तुम्हें लखन, इतने बड़े हो गए हो और अभी तक बचपना नहीं गया। ओ माँ, मैं तो यूं ही प्रेम भाव से मिलने गया था देवधर काका से। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा प्रेम भाव, और किससे है प्रेम भाव ये भी मालूम है। अगर आपको मालूम है तो राधा की लखन से शादी क्यों नहीं करा देती? शादी? अरे पहले इसकी नौकरी लगी, राम की शादी हो जाए तब ना सोचू इसके बारे में। तो राम भैया की शादी क्यों नहीं करती? पर उससे कोई लड़की पसंद है तब ना। अरे लड़की है माँ। हाँ। कौन सी? अरे वही कमिश्नर साहब की बेटी, मिस गीता कश्यप फ्रॉम बॉम्बे। उनकी और राम भैया की प्रेम कहानी एक साल से चल रही है, एक साल से। चुप रहे, बेशर्म। राम किसी को चाहे और मुझे पता नहीं चले, ये कभी हो सकता है? ऐसा हुआ है माँ, ऐसा हो रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत ला देता हूँ। ला दे। इनाम? जो चाहेगा मिल जाएगा। फिर देवधर काका से मेरी और राधा की बात करोगी ना? हाँ करूंगी, पहले सबूत लाके दे। अभी लाता हूँ। अरे, अरे, अरे शिवा, माँ को घर छोड़ देना, अब मैं सबूत लेकर ही वापस आऊंगा। माँ जी ये कैसे करता, 1-2 का 4 और 4-2 का 1। हेलो राम साहब। हाँ हाँ सर, आपका फोन है। किसका है? किसी लड़की का है सर, आपके लिए। हेलो राम साहब, मैं शांता भाई बोल रही हूँ। शांता भाई? हाँ क्या बात है? गीता मैम साहब ने कहा कि आप फौरन घर आ जाएं, वो बाथरूम में गिर पड़ी है। क्या? उन्हें बहुत चोट आई है। मैं भी आया। हेलो, मैं शांता भाई बोल रही हूँ। शांता भाई, मैं बोल रहा हूँ सेवानंद, राम साहब का असिस्टेंट। कैसी हो? अच्छी हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गीता मैम साहब से कहना कि राम साहब ने कहा है क्या कि हो जाए तैयार, जाना है बाहर, वक्त कम मंजिल है दूर, लेकिन जाना है जरूर। अच्छा जी। माय नेम इज शांता। ओ शांता, आई मैम साहब। जरा ऑफिस में फोन करके पता करना कि राम साहब निकले या नहीं। पता नहीं क्या समझने लगे अपने आप को, 7 दिन से जनाब का आता पता नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और आज आज अचानक मेरी याद आ गई तो हवाई जहाज पर चढ़ के सेवानंद से फोन करवा दिया कि तैयार हो जाओ। खुद फोन नहीं कर सकते क्या? या कम ऑन, या आई एम द हीरो, वाओ इंडिया इज ब्यूटीफुल। विशंबर का बेटा देबू है। चलो या कम ऑन, लेट्स गो। देबू, अरे बेटा देबू, ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है, जरा घोड़ा धीरे चला दमखा। बात और साहब ना जाने वो कहाँ चला गया, ना जाने दीदी ने क्या खाके पैदा किया है कमबख्त को। Come on, horsey darling, slow, 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 slow. इंडिया इज ग्रेट, समुंदर में मोती। देवू, ठाकुर विशंबर नाथ का बेटा देवू फ्रॉम अमेरिका। हाय। कम ऑन माय डॉल, माय माय लिटिल डॉल, माय इंडियन डॉल, आई लव इट। लखन? लखन कौन है? तुम कौन? लखन प्रताप सिंह। ओ, उसी चुड़ैल का बेटा जिसे डैडी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, चोरी की थी ना उसने। आराम से। मैं तुझे देख लूंगा बास्टर्ड। नहीं रखा।
तुझे कोई बचाओ दे। हरामजादे ने मर्डर किया तुझे। तूने मेरी मौत को गाली दी। तूने मेरी मौत को गाली दी। राम भैया। राम भैया। राम भैया, देखो ना लखन उसे मार रहा है, उसे रोको ना। जिंदा नहीं छोड़ना। क्या हो गया तुझे? तय किया ना। चलो भैया। ले जाओ, ले जाओ इस दुष्ट को, ले जाओ। नहीं लखन। लखन कुत्ते को छोड़ो भैया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे भैया। छोड़ो मुझे, उस कुत्ते को मारो। उसके पाप को गाली दी भैया। इस कुत्ते ने पाप को गाली दी। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें राम भैया की कसम। प्लीज गुस्सा छोड़ बेटे, शांत हो जा। खुश कर। ये ठीक नहीं हुआ राम बाबू। पूरा शहर ने देखा है कि तुम्हारे लखन ने नंदी से देवू की जान को मारा। ये ठीक नहीं है। मेरी चांद, आंखें खोल मेरे लाल। देबू बेटे, कमीनों ने न जाने किस जन्म का बदला लिया है हम लोगों से। चांद से मार डालो हरामजादे को, या फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ भैया। नहीं भानू, ये पुलिस का मामला नहीं, ये खानदानी युद्ध है। बस उस देवधर पंसारी को बुलाओ यहां। वाह 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 देवू, हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। देवधर, हमारा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि मारी लड़की इतने बड़े घर में। पर क्या है कि लड़की अभी थोड़ी नाबालिग है जी। नाबालिग है तो क्या हुआ, देबू एक साल और इंतजार कर लेगा। क्यों बेटा? इसका तो मैं बरसों तक इंतजार करूंगा माँ, टिल डेथ। जो लड़की हमारी हो गई। हो गई जी, हो गई। शादी हम जब चाहें तब करेंगे। क्यों जी? आप ही की बहू बनेगी मेरी राधा। ए लड़की, ये लो लड्डू खाओ। देखो लड़की, अब तुम एक बड़े खानदान की बहू बनने वाली हो। उस लुच्चे लफंगे आवारा लखन की माशूका नहीं, समझ गई ना? लो खाओ, खाओ, मुंह खोलो। खा लो बेटी, प्यार से खिला रहे हैं। खोलो, खाओ खाओ लड्डू, खाओ खाओ। शाबाश। लखन, 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 लखन। वो लोग मेरी जिंदगी में अंधेरा कर देना चाहते हैं मां। मैं समझ गई, विशंबर और भानु ने देवधर को खरीद कर हमारी खुशियों पर एक पत्थर और मारा है। मैं उनका घर जला दूंगा। तो तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया था? तो मैं क्या करूं? चढ़ते सूरज बनो, डूबते नहीं। खुद को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे चमक देखकर उनकी आंखें नीची हो जाए। ठीक है माँ, लेकिन तब तक आप देवधर काके से बात तो करो। लखन, गरीबी का शनि भले ही 17 साल तक तुम्हारी माँ पर भारी रहा हो,
लेकिन स्वाभिमान का टीका उसने कभी मिटने नहीं दिया। दूसरों के सामने हमें झुकना नहीं, झुकाना है। अरे बड़ा आदमी बनने का मतलब है अमीर आदमी बनो, और अमीर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो स्मगलर बनो या पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर मतलब स्टाफ है। स्मगलर सर विशंबर जैसे सेठो कमाल अपने जेब में कर लो, क्यों ब्रो? करेक्ट। फिर लेकिन पुलिस ऑफिसर बनूं कैसे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम नौकरी के लिए मेरे डैडी से क्यों नहीं मिलते? लेकिन गीता जी मैं कैसे? अरे बंदी कुछ मिल कुछ मिला कुछ कर दिखा, ऐसा करिश्मा कि देखने वाले देखते रह जाएं। मतलब सिंपल, 1 2 का 4, 4 2 का 1। भैया आपने तो कुछ खाया नहीं आज। पानी। हेलो सर, दिल्ली से खबर मिली है कि केसरिया विलायती हमारे इलाके में छिपा हुआ है सर। राम, इस दफा हमने उसको ना पकड़ा तो हमारी नाक कट जाएगी। डोंट वरी। अरे हेलो लखन, कैसे बेटे? अच्छा हूँ अंकल। गुड लक। चलो भैया, क्या मैं पुलिस अफसर बन सकता हूँ? हाँ बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन देश की सेवा करने के लिए या पैसे कमाने के लिए? दोनों के लिए भैया। अच्छा, मैं बन सकता हूं ना? नो। जी हाँ सर, हमारी पूरी कोशिश जारी है कि हम केसरिया विलायती को पकड़ लें। केसरिया? केसरिया का पता तो एक ही आदमी बता सकता है। कौन? अरे वही अपना दोनों नाई। सरकार, मेरे अंदाता घोड़े के तबेले में शेर बैठा है। शेर पुलिस की तो बाप दादा को भी पता नहीं चल सकता। एक निहत्ते डाकू पर वार नहीं करते शेरदिल इंसान। और कौन है तू? महापुरुष, मैं सुल्ताना का पोता हूं। मेरे पीछे लगी है पुलिस। सुल्ताना का पोता बैडमैन? बैडमैन नहीं, गुड मैन। यानी तुम पुलिस? अपनी प्राइवेट पुलिस। तुम राम का भाई लखन? चलो पुलिस स्टेशन। यू गुड मैन? क्या केसर ये विलायती पकड़ा गया लखन ने? आर यू श्योर? वाह भाई लखन, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम हमारी सारी पुलिस फोर्स 10 दिन में नहीं कर सकी, तुमने 8 घंटे में कर दिया। दरअसल बात यह है सर कि आपकी पुलिस फोर्स कुछ सुस्त होती जा रही है। अगर एक अफसर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जोकम, ये सब मिलाकर आगे बढ़े तो ये मुजरिम क्या चीज है? अरे ये सब केसरी बिलायती वगैरह ऐसे मुजरिम है जो हम लोग रोज पकड़ते हैं। द पॉइंट इज यू नीड कॉन्फिडेंस एंड नॉट क्वालिफिकेशन। द कंट्री इज रनिंग थ्रू अ वेरी बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। द क्रिमिनल्स आर रनिंग, द पुलिस आर रनिंग एंड रनिंग रनिंग नो कैचिंग सर। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज वेरी बैड फॉर द कंट्री। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट इमेजिनेशन, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, बट कॉन्फिडेंस। एम आई रॉन्ग? नो नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लखन, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी बहादुरी को देख के एक ख्याल आ रहा है, तुम हमारी पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? सर यही तो मेरा सपना था सर, कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। मगर मेरा भाई है ना सर राम, उसे तो मुझ पर विश्वास ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मैं उससे कहूं कि मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूं तो वो कहेगा नो यू कांट। अरे भाई मेरे में भी कुछ बात है, आफ्टर ऑल माय नेम इज आल्सो लखन यार। आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास है और आज ही मैं अपने स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड करता हूं। तुम घर जाओ और फौरन तैयार हो जाओ। सर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो मैं आपको जाकर बता दूं कि मैं पुलिस अफसर बन गया? बन गया नहीं, बन जाओगे।
यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे मेरे बारे में वही कहेंगे जो मैं आपसे कह चुका हूँ। सर सर, मैं सब सुन चुका हूँ। आप जो ये तजुर्बा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है सर। सर लखन में बचपना बहुत है, वो पुलिस अफसर बनने का मतलब ही कुछ और समझता है सर। देखिए सर, वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर वो पुलिस अफसर बन गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी सर। तुम बिल्कुल वही कह रहे हो जो कि लखन मुझे बता चुका है कि तुम ये कहोगे। सर मगर लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं राम, लखन तुम्हारा लाडला भाई है और हर लाडला बच्चा नजर आता है, मगर मेरी नजर से देखो हीरा कहाँ है मैं ढूंढ लेता हूँ। भाई तुम्हें भी तो मैंने ही ढूंढा था। पर सर वो सब तुम जा रहे हो लखन, मेरा क्या होगा, वो दुष्ट लोग मुझे ले जाएंगे लखन। अरे उन्हीं दुष्टों के लिए हथियार बनने तो जा रहा हूँ पगली। अगर अगर तुम्हारे पीछे उन्होंने मेरा विवाह कर दिया तो। विवाह? अरे तुम्हारा मेरा विवाह तो हो चुका है। कहाँ? इस जन्म से पहले स्वर्ग में। स्वर्ग में? हाँ स्वर्ग में, देखोगी स्वर्ग। हाँ कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग 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 कहाँ है? स्वर्ग वो रहा स्वर्ग उस चांद में। कुछ दिखाई दे रहा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें काम करो, चांद की तरफ देखो। अरे मेरी तरफ नहीं, चांद की तरफ। अपनी आंखें बंद कर लो और तीन बार ओम बोलो लंबा। तू रोएगी तो मैं भी रो दूंगा मां। अरे अरे मैं तो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं और आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं किसी युद्ध पर जा रहा हूं और वापस लौट कर ही नहीं आऊंगा। अरे भैया आप ही बताइए ये सब रो क्यों रहे हैं? कोई रो नहीं रहा है बेटे, सबको फिक्र लगी है कि तू फेल होकर ना। फेल? भैया जहां राम का आशीर्वाद हो वहां लखन फेल ही नहीं हो सकता, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। लखन भगवान करे जब तू वापस आए तो तेरे सर पे ये टोपी नहीं पुलिस अफसर की टोपी हो, और तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुलिस अफसर बने, मुझसे भी बड़ा। देखा मां? अरे जल्दी करो भाई, गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी का वक्त हो गया, चलता हूं मैं।